क्या आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं? तो जब भी आपका अनाज आपके डीलर के पास आता है तो उसका नोटिफिकेशन, उसका अलर्ट आपको नहीं मिलता है? क्या आप भी चाहते हैं कि जब भी आपका अनाज आपके डीलर के पास आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, मतलब आपको खबर हो जाए कि हमारा जो अनाज है हमारे डीलर के पास आ चुका है, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। अगर आपके घर डीलर के घर से कुछ दूर है तो आपको वहाँ पे डीलर के यहाँ जाना होता है और पूछना होता है कि अनाज इस मंथ का आया है या नहीं आया है। तो इसमें आपको बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जब भी आपके डीलर के पास आपका अनाज जाएगा तो आपको SMS के माध्यम से आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपका अनाज आपके डीलर को भेज दिया गया है। तो वहाँ उसके बाद आप अपने डीलर के पास जाकर वहाँ से अपना अनाज ले सकते हैं। तो चलिए किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दिया है। इस वेबसाइट पे या आप ब्राउजर में सर्च करेंगे sfc.bihar.gov.in, तब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे यहाँ सर्विस के ऑप्शन मिल रहा है, सर्विस के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर योर मोबाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर योर मोबाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे देखिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर PDS अलर्ट, यानी कि सिटीजन के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर किस लिए है, PDS अलर्ट, यानी कि जब आपका अनाज वगैरह आएगा उसका अलर्ट दिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। उसके सबसे पहले यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ब्लॉक सेलेक्ट करें, आप इस ब्लॉक में जितने भी डीलर है वो सारे की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो डीलर है, जो भी जिससे आपको अनाज मिलता है, वो डीलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसी डीलर के नाम के बाद जो उनका लाइसेंस नंबर और साल भी दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना नाम दे दीजिए, कस्टमर नेम अपना नाम। अपना नाम देने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ पे नोट में दिया गया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ दिस पोर्टल, यानी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा इस पोर्टल के साथ, विल रिसीव होगा डिस्पैच, यानी कि डिस्पैच स्टेटस। जब भी आप जो सेलेक्ट किए डीलर, उस डीलर के पास जब भी लेटेस्ट मंथ का अनाज डिस्पैच होगा, मतलब कि ऊपर से जब भी आपको डीलर को आपका जो अनाज वो भेज दिया जाएगा, तो उसका आपको अलर्ट यहाँ पे स्टेटस डिस्पैच स्टेटस आपको SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो यहाँ भी इसीलिए दिया गया मोबाइल नंबर रजिस्टर इसलिए किया जा रहा है इस पोर्टल पे कि आपके डीलर के पास जब भी आपका अनाज भेज दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको, उसका अलर्ट आपको मोबाइल पर मिल जाता है। तो उसके लिए यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, जिस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज मंगवाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ, इसको लगे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कस्टमर डाटा सबमिटेड, यानी कस्टमर डाटा का समान डाटा वो सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे देखिए कस्टमर डाटा सबमिटेड। अब जो इस डीलर के पास जब भी लेटेस्ट मंथ का अनाज ऊपर से भेज दिया जाएगा तो हमको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो डीलर का अनाज है वो उनको भेज दिया गया, आप वहाँ से जाकर अपना राशन कार्ड लेकर अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।